मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहली बार 50 साल पहले 20 जुलाई को एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 के लैंडिंग पर चांद की सतह पर कदम रखा, मगर चांद पर उतरने के लिए उन्हें धरती पर मिलने वाली सुविधाओं को त्यागना पड़ा। नासा इंजीनियर्स एस्ट्रोनॉट्स को 1960 और 1970 में ही चांद पर पहुंचाने के लिए और वापस लाने के लिए इतने पैशनेट थे कि अपोलो मिशन में टॉयलेट बनाना ही भूल गए। यहां तक कि पहला स्पेस टॉयलेट 1980 में स्पेस शटल में बनाया गया। टेक्निकली एक टॉयलेट 1970 में भी स्काई लैब में बना था, पर यह दीवार में एक छेद जैसा था जिसमें एस्ट्रोनॉट को अपना मल सुखाना पड़ता था। मानव रहित अंतरिक्ष मिशन में शौच हमेशा से ही कष्टदायक रहा, ऐसा ऑफिशियल नासा रिपोर्ट में बताया गया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे खुद को हल्का करने के लिए अपोलो 11 में एस्ट्रोनॉट्स को बदबूदार बैग्स से गुजरना पड़ता था। अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉयलेट बदबूदार नहीं बल्कि खुशबूदार हो तो एयर वीक फ्रेश मैटिक यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एस्ट्रोनॉट को स्पेस में बैग सिस्टम यूज करना पड़ता था। पेशाब के लिए उन्हें बलून जैसे दिखने वाले मटेरियल जो एक बैग से नली के द्वारा लगा हुआ होता है उसे यूज करना पड़ता था। शिप में कोई भी फीमेल फ्रेंडली सिस्टम नहीं था क्योंकि सभी एस्ट्रोनॉट्स पुरुष थे। यह प्रोसीजर जरा भी आसान नहीं था, इसके लिए एक सबसे बेसिक तरीका अपनाया गया जिसमें एक प्लास्टिक बैग को मल कलेक्ट करने के लिए बटॉक्स से बांधा जाता था। इसे फीकल बैग नाम दिया, जो टॉयलेट पेपर के साथ कंप्लीट पैकेज में आता था। इसमें उंगली अच्छे से कवर रहते थे जिसे एस्ट्रोनॉट यूज करने के बाद भी क्लीन रहते थे। यह कोई आसान काम नहीं था, इसे एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट में पीछे बांधना पड़ता था। एक एस्ट्रोनॉट के कैलकुलेशन के अनुसार इसमें 45 मिनट लग जाते थे, तब टॉयलेट बैग सील प्रूफ भी नहीं होते थे। 1969 में अपोलो 10 मिशन में एक रोचक घटना हुई जिसमें टॉम स्टेफोर्ड चिल्लाते हैं, मुझे जल्दी से नैपकिन दो, यहाँ पे मल हवा में तैर रहा है। इसी प्रकार से जब घर से बाहर होते हैं तो टॉयलेट के अच्छे होने की गारंटी नहीं होती, ऐसे समय में हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें तो अच्छा होता है। इस अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को यूज करने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं होती, आप कहीं भी उसे क्रीम के तरह यूज कर सकते हैं अपने हाथ में लगा के। नासा के मुताबिक ये फीकल बैग्स एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आना था ताकि साइंटिस्ट इसे एग्जामिन कर सकें, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को अपना काम खत्म करके इनमें कुछ इम्पोर्टेड बैक्टीरिया मिक्स करके सील पैक करना था ताकि इसे सेफली धरती पे लाया जा सके। इन फीकल बैग्स को मिनिमम वॉल्यूम में रोल करके एस्ट्रोनॉट रिटर्न ट्रिप के लिए स्टोर करते थे, पर एस्ट्रोनॉट बताते हैं कि बदबू की प्रॉब्लम स्पेसक्राफ्ट में हमेशा से बनी रहती थी। हालांकि इंजीनियर्स के पॉइंट के हिसाब से टॉयलेट मैनेजमेंट सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री लेवल के थे, पर एस्ट्रोनॉट्स ने इसे पुअर रैंकिंग दी थी, ऐसा फाइनल रिपोर्ट में लिखा है। खुद को हल्का करना स्पेस में इतना जटिल, टाइम कंज्यूमिंग और स्मेली था कि उन्हें कभी कभी जमाल घोटाल या दवाई लेने पड़ते थे जिसमें मल हल्का और धीरे हो। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनते थे तो ये बैग्स यूज नहीं कर सकते थे। जब वे स्पेसक्राफ्ट से बाहर जाते थे वे फीकल कंटेनमेंट सिस्टम यूज करते थे जो बेसिकली एक डायपर होता था। यहाँ क्लियर नहीं है कि 21 घंटे 36 मिनट में एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग ने इसका इस्तेमाल किया था या नहीं, पर ऐसी खबर है कि आकाशीय बॉडी पे पेशाब करने वाले पहले इंसान बस एल्ड्रिन थे। उन्होंने 40वीं एनिवर्सरी ऑफ मून लैंडिंग में बताया कि उन्होंने पैंट्स में ही पेशाब कर दिया था।
एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग अपनी निशानी के तौर पर एक पट्टी छोड़ाए थे जिसमें यह लिखा था कि वहां जुलाई 1969 पर पृथ्वी के लोग आए और उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। पर उसमें यह कहीं पर नहीं लिखा है कि जब उन्होंने बड़ी छलांग लगाई तब उन्होंने डायपर पहना था या नहीं। अगर आप अपने घर या ऑफिस के टॉयलेट एक्सपीरियंस को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे बताए गए कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डॉल्फी वॉल माउंटेड लिक्विड डिस्पेंसर। इसका वाइट वर्जन है और इसका ब्लैक वर्जन भी है। वाइट वर्जन थोड़ा सस्ता है, ब्लैक वर्जन थोड़ा प्रीमियम लुक देता है। वैसे तो लुक में दोनों ही अच्छे हैं और ये आपके टॉयलेट के एक्सपीरियंस को अच्छा करता है। वॉल माउंटेड टिश्यू डिस्पेंसर काफ़ी सुविधाजनक होता है हमारे हाथों को सुखाने के लिए। ऐसे ही वॉल माउंटेड ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर, जैसा मॉल्स और एयरपोर्ट के टॉयलेट में लगा होता है, ये आप अपने घर या ऑफिस में भी लगा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप वहाँ से जाके इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको भी टॉयलेट जाने में कभी परेशानी हुई है क्या और कहां पर हुई है, आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और भविष्य में कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियोज़ आपको लगातार पता चलता रहे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।